माननीय सदस्य नीरज नैयर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला इस सदन में आज लाया, जिस पर कि व्यापक चर्चा हुई है और आपने भी इस सब्जेक्ट में बहुत दिलचस्पी ली और कोशिश की कि मुद्दे को जो है टूरिज्म की डिस्कशन तक ही सीमित रखा जाए। हालांकि हमारे अंतिम सदस्य अपनी पारी को जो है राजनीतिक तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अन्यथा सभी सदस्य इसी बात के इर्द गिर्द रहे हैं कि प्रदेश को टूरिज्म के लिहाज से कैसे विकसित करना है। और बहुत ही मूल्यवान सुझाव यहाँ पे आए और मैं तो अभी समझ रहा था कि कंक्लूड करते समय आप भी अपनी जो वाणी से टूरिज्म में जो आपने आज दिन तक सोचा है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। और लेकिन फिर भी आपने अपना जो विज़न है बीच बीच में स्पष्ट किया है वो हमें अध्यक्ष महोदय, मसला चंबा में पर्यटन की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये अलग बात है कि इसको अब मुद्दे को व्यापक प्रदेश की तरफ ले जाया गया है और आपने सभी को मौका भी दिया है। और ख़ास तौर पे जो हमारे चंबा के जो विधायक हैं और आप सहित जो अन्य हमारे यहाँ पे विधायक बैठे हुए हैं और उन्होंने किसी भी तरह से इस जिले को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे लाने की वकालत की है। और जब से यहाँ पे प्रदेश में सरकार सत्ता परिवर्तन हुई और एक प्रयास पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है और खास तौर पे जैसे ही अभी धर्मशाला को कांगड़ा जिला को पर्यटन की राजधानी बनाने की बात आई या हिमाचल प्रदेश को देश की पर्यटन राजधानी बनाने की बात आई, उसके बाद ये चर्चाएं आगे बढ़ी हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा जो ये चर्चा जो यहाँ लाई गई है मैं उसका स्वागत करता हूँ और पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को अधिक ऊंचाई पे पहुँचाने का जो संकल्प है इस सदन में जिसकी बात आई है उसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की बात करता हूँ। और सरकार ने कदम काफ़ी उठाए, लेकिन आज की चर्चा से जो व्यापक बात ये निकली है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, पोटेंशियल को हमने कैसे टैप करना है। इसमें की सरकारों ने जो अपनी यथा योग्यता से जो हो सकता था वो उन्होंने किया। रिसोर्सेज की बात यहाँ पे आई, कुछ जो देश ऐसे देश हैं जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपना सिक्का कायम किया है या हिंदुस्तान में भी जो ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन की दृष्टि में आगे बढ़े उनके साथ तुलनात्मक चर्चा भी यहाँ पे की गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि है, वीर भूमि है और एक तो विदेशी सैलानियों को कैसे यहाँ लाना है, एक देश के लोगों को कैसे हिमाचल की तरफ आकर्षित करना है और उसके अलावा धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्कोप जो है इस प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है कि
धर्म का मसला बहुत सेंसिटिव मसला भी है। अभी हम चिंतपूर्णी टेंपल बना रहे हैं तो हमें मालूम है कि किस ढंग से उसको, जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं या मंदिर की भव्यता या उसकी वैभव को बढ़ाने की बात करते हैं या सड़कें बनाने की बात करते हैं, तो कैसे अवरोधक आते हैं। तो इसलिए हमें जनता की भावनाओं को भी साथ में लेके चलना है और एक अकेला चिंतपूर्णी टेंपल ऐसा है जिसमें कि एक साल में जो हमने कदम उठाए हैं 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। 5 करोड़ रुपए की अध्यक्ष महोदय, जो लोग ये कहते थे कि मंत्री जी मेरा मत्था टका दो, MLA साहब मेरा मत्था टका दो, DC साहब मेरा मत्था टकाओ, या DSP जाते थे साथ में, अब वो कोई नहीं जाता। लेकिन एक प्रणाली तय कर दी गई, सुगम प्रणाली, जिससे कि 1.5 करोड़ रुपया जो है पहले ही 6 महीने भी नहीं हुए उस दौरान 1.5 करोड़ रुपया जो है मंदिर को अर्जित हो गया। मंदिर का होटल था उसको अब जो है ठेके पे दिया गया है, 50 लाख की इनकम उससे हो गई जो खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पे जो स्टैंड था, टैक्सी स्टैंड वगैरह था, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब उसको जो है वहाँ पे जाके उसकी नीलामी हो गई, वहाँ भी पैसा आना शुरू हो गया। तो मंदिरों को विकसित करना ये तो एक ट्रायल है एक टेम्पल को लेके। उसके बाद हमारे तो बहुत मंदिर हैं, चाहे वो ज्वालामुखी जी हैं, चाहे वो बगला देवी जी हैं या जो है बाबा बालकनाथ जी हैं, नैना देवी जी हैं और चामुंडा जी हैं, या यहाँ कांगड़ा जी हैं। और यहाँ पे जो खासतौर पे जो चंबा की बात आई है, चंबा में भी बात आई कि वहाँ मणि महेश की यात्रा की बात आई जिसकी बहुत मान्यता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात आ रही है, 84 मंदिर की बात आ रही है। तो मंदिरों का तो अपार संभावनाएं हैं। हाउस की जो सेंस मिल रही है कि सारा हाउस ये चाह रहा है कि हम मंदिरों में आगे बढ़ें, और जो छोटी सी बात और कई सदस्यों ने यहाँ पे लाई, और कल भी कोई नैना देवी गए थे तो उनका मुझे फ़ोन आया कि हमें नैना देवी जी का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो ये मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी मैं डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग भी करूँगा और जितने भी हमारे मंदिर हैं सबके साइन बोर्ड डिस्टेंसेज लगा दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश में लगा दिए जाएंगे कि कौन सा मंदिर किस तरफ है, कितनी दूरी पे है, किस ढंग से हमने जो है उस मंदिर में पहुंचना है। और जैसे यहाँ पे कहा जा रहा था कि उसका मंदिर का इतिहास जो है वो भी वहाँ पे अंकित होना चाहिए, वो भी हम कदम उठा देंगे। और कोशिश हुई तो हम पूरी एक बुकलेट भी इस पे निकाल देंगे कि कौन कौन सा मंदिर है, उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से कितनी दूरी पे है, एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे है, रेलवे से कितनी दूरी पे है, बस रूट से कैसे पहुँचना है, टैक्सी रूट से कैसे पहुँचना है। ये जो एक ये अब चर्चा हुई तो बात निकल के बाहर आई, हमारे सामने अब बात आई तो कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे किस्म के जो है साइन बोर्ड हम लगाएं, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लेके भी, चाहे गंगल का एयरपोर्ट है, चाहे हमारा शिमला का है, चाहे हमारा कुल्लू का है, या कहीं भी जो हमारे बस अड्डे हैं उनके आसपास ये कदम हम उठाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज की जो चर्चा है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है चंबा की। चंबा को ईश्वर ने दिल खोल के दिया है और नैसर्गिक वादियाँ हैं, अनूठे दर्रे हैं और दिल लुभाने वाली दिलकश वादियाँ हैं। और इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं। और उसी हिसाब से जो है चंबा के सदस्यों ने एक बहुत ही एक विज़न जो है यहाँ पे रखा है। मैं नीरज नैयर जी से बहुत प्रभावित हूँ कि वो इतना इतने स्टिक किस्म से उन्होंने यहाँ पे अपने जो है पक्ष को रखा कि आपको भी उनकी तारीफ करनी पड़ गई। और आपने उनको 2 बार टाइम दिया बढ़ा के, तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपना पक्ष रखा चंबा को। और आपके दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो है हमारे माननीय जो सदस्य अच्छी ब्रीफिंग की हुई थी, चिंता न करो। ये भी संभव है, कहीं से तो होगी। डिस्ट्रैक्टिंग देयर, आई गाइडेड हिम फर्दर। और
हमारे विनोद जी हुए, डीएस ठाकुर जी हुए, जनक राज जी हुए, इन सब ने जो है उस लय में, उस सुर में सुर मिला के जो है चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बता के जो है उसको आगे बढ़ाने की जो बात जिस लहजे में रखी, जिस तरह से रखी, मैं समझता हूँ कि हम सबको हिमाचल के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसी स्वर में बात करने की ज़रूरत है। और ये चर्चा बहुत सार्थक चर्चा हुई है। और अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जो चर्चाएं हुई है धार्मिक पर्यटन के अलावा, जो है ऐतिहासिक मंदिरों के अलावा, आस्था के स्रोतों के अलावा, जो टनल्स बनाने की बातें आई हैं, इन पे क्या किया जा सकता है, और कुछ लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी में भी बदलाव की बात की है कि उसमें परिवर्तन आना चाहिए, और हालांकि 2019 में ही ये टूरिज्म की पॉलिसी बनी है। बहुत कुछ तो प्रदेश की आर्थिकता पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी हमें जिस ढंग से ईश्वर ने दिल खोल के दिया है तो काफ़ी पर्यटन खुद ब खुद आते हैं यहाँ पे। हमारे पास चाहे हेलीपैड्स का निर्माण है, पार्किंग का है, चाहे रज्जू मार्गों का है, इनको लेके हम एक, जैसे आपने कहा कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। हम सब अगर इस सोच से चलेंगे कि हमें हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना है। अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में 1,36,57,783 पर्यटक आए। हालांकि आप देखते हैं कि कैसा वातावरण बीच में रहा और त्रासदी का माहौल आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम लगभग 1.5 करोड़ पर्यटकों को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश खुद ब खुद ही अपनी खूबसूरती, अपने अपने जो है कल्चर की वजह से, अपने हेरिटेज की वजह से, उन सब चीज़ों की वजह से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में 52,592 विदेशी पर्यटक इस दौरान आए। और जहाँ तक चंबा का सवाल है, चंबा हिमाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट ज़िला तो है ही है, लेकिन डलहौजी, भरमौर, पांगी, खजियार आदि जो पर्यटक स्थल यहाँ पे अब तक विकसित हुए हैं, इन स्थानों ने इस दौरान जो है 75,660 टूरिस्टों को आकर्षित किया है। और इसमें चंबा में हालांकि विदेशी पर्यटक इतनी संख्या में नहीं आए, 738 विदेशी पर्यटक ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की विहंगमता और प्राकृतिक सुंदरता जो है खींच रही है। और ये सबका मानना है कि इसके लिए हम कोई ना कोई रोड मैप अडॉप्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को कैसे कैसे कहाँ से लाया जा सकता है, किस मार्ग से लाया जा सकता है और कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है। और आपने आपने तो इसको आगे भी बढ़ा दिया कि हेल्थ टूरिज्म की बात भी की, इको टूरिज्म की बात भी आई, वाटर टूरिज्म की बात भी आई, रिलीजियस टूरिज्म की बात आई। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कांगड़ा में एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने की बात चल रही है, ये पहले मंडी में भी एयरपोर्ट बनाने की बात थी, अभी भी है, और लेकिन ये बड़े एयरपोर्ट जो है इनको कैसे हमने विकसित करना है और केंद्र से हमें कैसे मदद मिले इसमें। कम से कम हमारा एक एयरपोर्ट तो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, तो अभी कांगड़ा का प्रयास हो रहा है, और हर पहले शिमला को एक्सपेंशन की भी बात आई थी, कुल्लू में भी नदी के ऊपर जो है एक्सपेंड करने की बातें आई, लेकिन समाव हम उस टारगेट को अचीव कर नहीं पाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ तो अब 700 करोड़ रुपए की लागत से जू आ रहा है, और उसका पिछली ही कैबिनेट में फैसला लिया गया कि इसको तेज़ी से हमने आगे बढ़ाना है। गोल्फ की भी बात हो रही है, और ठीक है कुछ लोग जो है भांग की खेती और कैसीनो जैसी भी बातें भी कर रहे हैं, और वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम पॉजिटिव वे में अपने सांस्कृतिक को, धरोहर को जो है संरक्षित रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बात जो है सारे जितने भी बड़े घराने अध्यक्ष महोदय हिंदुस्तान के हैं वो हिमाचल प्रदेश में लगभग अपना होटल बना चुके हैं,
और अब भी कोशिश चल रही है कि उन घरानों को जो है इनवाइट किया जाए जो जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक अनछुए हुए हैं, उन क्षेत्रों में किस ढंग से हम टूरिज्म को आगे लेके चलें और जो हेलीकॉप्टर से टूरिस्ट को कैसे लाना है या प्लेन से कैसे लाना है, इसके बारे में भी हम सब्सिडीज वगैरह दे के भी अभी आप देखते हैं कि जब कई बार हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ से प्लेन जाता है, कभी 4 सवारी होती है, कभी 6 सवारी होती है, फिर भी हिमाचल सरकार कटिबद्ध है कि हम इन सेवाओं को आगे बढ़ा सकें। और अध्यक्ष महोदय, अकोमोडेशंस वगैरह भी इतनी अकोमोडेशंस थी, आप उसका पता तो त्रासदी के दौरान लगा, जब वहाँ पे त्रासदी में आई तो मनाली और कुल्लू से 75,000 टूरिस्ट को निकालना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो इसका मतलब कि टूरिस्ट तो हमारे आ रहे हैं और हमारी आर्थिकी में भी सहयोग कर रहे हैं, और लेकिन कई तरह के दुष्प्रचार भी साथ कई तरह के साथ में चलते रहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक चंबा का सवाल है, पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पे इसी साल जो है 25 होटल व 47 होम स्टे की रजिस्ट्रेशन की गई है, 25 नए होटल, और वर्तमान में जिला चंबा में 300 होटल व 312 के आसपास होम स्टे हैं। और जिला चंबा पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े इसके लिए जो है ग्राम पंचायत लोथल में लमडल झील का विकास तथा पर्यटकों के लिए शिविर स्थलों के विकास के लिए जो है 1,10,22,359 रुपये और सतवाड़ी मंदिर महुआ मार्ग जो है उसके लिए टोकन मनी जो है 10 लाख रुपये का भी प्रोविजन किया गया है, और मंदिरों के सौंदर्यकरण इत्यादि के लिए भी जो है 48 लाख रुपया अभी प्रोविजन किया है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्पोर्ट्स और अलाइट एक्टिविटीज़ के लिए जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है करवाने पे जोर दिया जा रहा है। और जैसा यहां पे नीरज जी ने कहा कि मणिमहेश हेलीकॉप्टर सेवा जो है चंबा के सुल्तानपुर से की जाए, ये हम प्रयास करेंगे कि आपका सुझाव, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम वहाँ से, क्योंकि वैसे तो सुल्तानपुर, होली व किलाड़ पांगी, यहाँ 3 हेलीकॉप्टर हेलीपैड जो है हेलीपोर्ट प्रस्तावित है और इनके FCA केस लोड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सुल्तानपुर से कैसे हमने इसको आगे ले जाना है इसके हम प्रयास करेंगे जी। और चंबा जिला के पांगी और भरमौर में ट्राइबल एरिया सब प्लान के तहत जो है जो पिछली सरकार ने योजना चलाई थी नई राहें नई मंजिलें जो हैं उसके तहत भी इसको जो है 3 लाख रुपए के काम जो है उसके तहत किए जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, और कुछ हेलीपैड्स वगैरह का निर्माण के लिए यहाँ पे हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो सदस्य को हम मुहैया करवा देंगे। और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंबा में 4 पैराग्लाइडिंग स्थल, द्रोटा से लाहड़ा खजियार, लाहड़ा से द्रोल खजियार, रैना से नैनीखड बनीखेत, बासा खड्डी से खड्डी बनीखेत अधिसूचित किए गए हैं, और चमेरा नदी में रिवर राफ्टिंग प्रारंभ करने के हम प्रयास रहते हैं। और खजियार में जो है बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए 7,78,57,000 रुपये जो है का प्रस्ताव है, और इसमें जो है वन और वन्य प्राणी विभाग से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और अध्यक्ष महोदय, चंबा के भलाई मंदिर में पहले ही जो 4,53,72,000 रुपये की लागत से एक आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीज़ें जो है चंबा में जो संभव है, हालांकि अब संभावनाएं अपार हैं, और जब हम